चलिए जल्दी फटाफट रिवाइज करिए फटाफट। अपना ट्रिग्नोमेट्री का आज कौन सा लेक्चर कहलाएगा? फोर्थ। मैंने ट्रिग्नो में बहुत कुछ पढ़ा दिया था, अभी मैं कुछ और पढ़ाता हूं जिनको पुरानी चीजों से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, लिखिए, ऐसा लिखिए, सम इंपोर्टेंट फार्मूलाज, सम इंपोर्टेंट फार्मूलाज। अच्छा, एक बात है, मैं अपना लिंक बीच में तोड़ के पढ़ा रहा हूं। मेरा लिंक जो था ना, अमेरिकन सिस्टम पढ़ाना, उसके बाद कुछ पढ़ाना और फिर फार्मूले आते, शायद अगले लेक्चर में फार्मूले आते, मगर मैं फार्मूले बीच में फंसा रहा हूं तो कुछ अजीब अजीब सा लगेगा। एक आध फार्मूला रटना पड़ेगा, बाकी एक भी रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अब आपका रजिस्टर बंद कर दो और आराम से बैठ जाओ, अमिताभ की फिल्म देखने आए हो, गंजा अमिताभ। ठीक है ना, चलिए सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा थोड़ा सरक के बैठो आराम से, है ना। चलिए, बैग गोदी में मत रखना, वैसे ही गर्मी के दिन है, बैग ऊपर भेज दो, है ना, आराम से बैठो। सुनिए, जब अपन ने पढ़ाई करी थी तो मैंने आपसे कहा था कि एस फॉर साइन, एस फॉर शरीफ, एस फॉर साइन, है ना, बाकी मत चिल्लाना, आज नए बच्चे बैठे हैं, ठीक है, एस फॉर, चिल्लाना मत, चिल्लाना मत, ठीक है। नहीं नहीं, जोर से नहीं बोलिएगा, ये कॉस है, कॉस, हाँ हाँ, अपना नाम बिल्कुल मत बोलो, है ना। अब सुनिए सुनिए, टाइट होके बैठिएगा, हाँ बिल्कुल टाइट होके बैठिएगा। स्टार्टिंग के दो फार्मूले हैं, वो रटने पड़ सकते हैं, बाकी का एक भी रटना नहीं पड़ेगा, मेरी गारंटी। स्टार्टिंग के दो रटने पड़ सकते हैं, बाकी का एक भी रटना नहीं पड़ेगा। यस, पहला फार्मूला सपोज है कि साइन की गोद में ए प्लस बी, यस, ठीक है, और दूसरा एक फार्मूला है, और फिर तीसरा है कॉस की गोद में ए प्लस बी। पहला क्या है, साइन की गोद में ए प्लस बी, अनिल इधर देखना, ये क्या लिखा है, ए प्लस बी और ये कॉस ए प्लस बी, ठीक है। शरीफ बहु और है ना, अब शरीफ बहु घर में आई तो तुमने देखा होगा, चाची आई घर में, अड़ोसी पड़ोसी, क्या नई बहु आई, एक दो महीने में कुछ झगड़े वगड़े हो गए, चूल्हा अलग हो गया, नहीं तो पहले बढ़िया मिलजुल के रह रहे थे, है ना। तो देखो, इसमें ये अच्छी बहू है ना, तो ये मिलजुल कर रहेगी और मिलजुल कर सब कुछ रहेगा, साइन ए कॉस बी, देखो दोनों साथ में, मतलब सास बहू साथ में, मान लो दोनों साथ में हैं, और शरीफ है, प्लस है तो प्लस निशान, ये बुरी है तो ये प्लस है ना, तो प्लस पर क्या शो करेगी, ठीक, आप खुद बोल रहे हो कितनी बड़ी बात है ये, जबकि पहली बार फार्मूला देख रहे हो, ठीक है, और मिलजुल के रह रहे हैं तो कहने लगे भैया एक दिन ऐसा एक दिन ऐसा, तो अब पार्टनर एक्सचेंज कर लिए, खुद बोल रहे हो, यही मेरी कहानी का जादू है, ठीक है ना। अब सुनिए, अब ये कॉस है भाई, तो कॉस में बंटवारे हो गए, घर में तीन चार बहुएं थी, तीन चार सासें थी, तीन चार सास का मतलब चार पांच दादा लोग हैं, मतलब भाई लोग, उनकी वाइफ, तो सास हो गई बहुत सारी, और उन सबके एक 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 बेटे हैं, तो उनकी बहू है, तो झुंड हो गया, पार्टी, दो दल हो गए है, जब जेंट्स घर के बाहर निकले सब तहलका शुरू, है ना। अब इधर देखिएगा, तो
वो एक आई, उसने सब धमा चौकड़ी अलग कर दिया, कहने लगे कॉस कॉस अलग रहेंगे भैया। ठीक ठीक ठीक। देखिए साइन शरीफ है, प्लस पे प्लस निशान, तो ऑब्वियसली माइनस पे, तो ये देखिए ना साइन की गोद में क्या। अब बोलो भाई साहब, अरे यस मालिक, और यहां का आप खुद ही बोलिए ना। डन। ये चार ही है मेन रोल प्ले करने वाले, बाकी तो इनसे सब बनते चले जाएंगे। तो ऐसे टाइट होके बैठो, चेहरे पे हाथ मत रखो, ठीक है? पीछे मत टेको, तुम पीछे मत टेकना, मतलब आपकी बॉडी का वजन आप खुद उठाइए। पीछे डेस्क को क्यों दे रहे हो? अपना वजन खुद नहीं उठा रहे हो तो देश का वजन क्या उठाओगे? देश का बोझ है आप पे, इन छोटे नेताओं की धोती में आग लगा देना। चलिए सुनिए ध्यान से, कितने फार्मूले हैं ये? अभी चार हैं, इनसे अपन को और बनाना है खूब सारे। जैसे आप छोटे बच्चे को बता दो कि सिक्स का टेबल कैसे पढ़ना है, तो भाई सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, तो उसको सिखा दो कि भाई छे और छे जोड़ के बारह होते हैं इसलिए ट्वेल्व। सिक्स थ्री जा, तो कहना छे को तीन बार जोड़ने पर अठारह होता है इसलिए, तो वो सीख गया, मनी मन करेगा सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स टू जा जोड़ लिया उसने ट्वेल्व, अब ट्वेल्व में छह जोड़ना है, सिक्स थ्री जा एटीन, ऐसे जोड़ जोड़ कर धीरे धीरे बोलेगा, मगर सीख तो गया। अब सुनिए, तो वैसे ही कुछ सीख कर अपन अगले चार फार्मूले लिखने वाले हैं, मगर ध्यान दीजिए, इधर आइए सुनना। फार्मूला नंबर जो पांच है वो वन और टू को एड करने पर बना है, फार्मूला नंबर जो चार है वो वन और टू को ऐड करने पर बना है। क्या है? रुमाल क्यों लगा के बैठे हो नाक पे? पानी पियाओ, फिर भी आ रही है। कूलर के सामने मत बैठो, घटिया कूलर है। चलो इधर देखो, ध्यान इधर रखो, है ना, रुमाल नीचे रख दो, खांसी आए तो लगाना। एक्चुअली एक बार आपने खांसा, रुमाल में वो कीटाणु आ गए, अब वो लगातार लगा के बैठे हो, वो वापिस अंदर जा रहे हैं। सोचो ना, कुछ तो साइंस लगा। अब इधर देखिए, इन दोनों को ऐड करना है, ओके? सुनो सुनो सुनो, ओ भाई साहब इधर इधर, इन दोनों को ऐड करना है। मुझे एक बात बताओ, ये दोनों क्वांटिटी सेम है, तो वन एप्पल प्लस वन एप्पल, मगर ये दोनों सेम तो है मगर चिन्ह अलग है, अब क्या होगा? कैंसिल। तो सुनिए, एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, इन दोनों को जोड़कर मैं क्या इधर लिख सकता हूं? कोई ऑब्जेक्शन? तो यहां लिखते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ, अरे डन, और ये वन एप्पल प्लस वन एप्पल क्या हो गया भाई? पिक्चर क्लियर? अब फार्मूला नंबर छह क्या होगा? वन और टू के साथ और कोने में ले जाके क्या कर सकते हो? अभी जोड़ा था, अब क्या कर सकते हैं? तो बोलिए बोलिए, छठवां नंबर इसमें से इसको घटाना है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो दिस माइनस माइनस का, तो वो काय का हो गया, तो अब की बार ये टू एप्पल, तो टू और इसमें से इसको घटाओ, ठीक,
मगर ये वो कुछ वैसा ही हो गया कि तुमने किसी बच्चे से पूछा कि ये बता 6-8 जा, रुक जा बता रहा हूं, गिना बिना और फिर बोला धीरे से 48। वो बच्चा काम का नहीं। तुमने किसी से पूछा 6-8 जा और उसने कहा 48, वो काम का। तो क्विक आंसर के लिए अब मैं मेरी कहानी सुनाऊंगा आपको, सुपर डुपर हिट। अच्छा, अब इन दोनों से जो जो अपन करवा सकते थे करवा लिया, अब 3 और 4 से करवाते हैं। तो बताइए फार्मूला नंबर 7 कौन बनेगा? फार्मूला नंबर 3 फार्मूला नंबर 4 को जोड़ने पर बना फार्मूला नंबर 7। आइए मालिक देखिएगा, बिल्कुल टाइट होकर बैठिएगा। इन दोनों को जोड़ा तो अब की बार आत्महत्या कौन करेंगे? ये दोनों। तो 2 cos A इज इक्वल टू, अरे डन। अब इन दोनों के साथ और क्या कर सकते हैं? तो फार्मूला नंबर 8 बताओ भाई साहब, अब की बार घटाना है। सोच लो, माइनस माइनस का एक एप्पल और माइनस का एक एप्पल, माइनस के दो एप्पल। तो भाई साहब माइनस ऑफ 2 साइन ए साइन बी, ये तो आत्महत्या कर लेंगे। इधर ठीक मालिक।